हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब। तो आज हम डोमेन ऑफ फंक्शंस की बात करने वाले हैं। क्लास 11 12th में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें भी एक दो क्वेश्चंस डोमेन ऑफ फंक्शंस से पूछे जाते हैं। जब आप डोमेन पढ़ लेंगे उसके बाद हम रेंज ऑफ फंक्शंस पे आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और बात करें अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे TGT PGT हो गया, तो उसमें भी डोमेन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए आज डोमेन को एक क्लास में ख़त्म करते हैं और सारी बेसिक्स से एडवांस तक हम सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हुए चलेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं, उससे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर जाकर आप एनपीसी एजुकेशन हब को फॉलो कर सकते हैं। एनपीसी एजुकेशन हब आप टाइप करेंगे, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा तीनों पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शंस की हम बात यहाँ पर करें तो सबसे पहले डोमेन है क्या। अगर मैं आपको सबसे पहले एक इजी लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें कि डोमेन क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव या x प्लस फाइव। अब यहाँ पर आपने क्लास 9th और 10th में ग्राफ बनाया ही होगा किसी भी लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पर अगर हम लेट x इज इक्वल टू जीरो पुट करें, तो x अगर मैंने इसको जीरो पुट किया तो y हमारे पास कितना आएगा, फाइव आएगा। x इज इक्वल टू वन पुट करें तो y हमारे पास कितना, सिक्स आने वाला है। ऐसे ही x इक्वल टू टू पुट करें तो y हमारे पास कितना आएगा, सेवन आएगा। तो ये जो मैं इनपुट यहाँ पर दे रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर इनपुट दिए हैं, वन की बात करें यहाँ पर हम, जीरो की बात करें, वन की बात करें, टू की बात करें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसे हम डोमेन कहते हैं। तो जो भी हम इनपुट फंक्शन में देते हैं उसे हम यहाँ पर डोमेन कहते हैं, यानी कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। तो समझिए, डोमेन अगर यहाँ पर देखें तो क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्री इमेज को हम डोमेन कह सकते हैं, वैल्यूज ऑफ x को हम डोमेन कह सकते हैं, x एक्सिस कवर्ड बाई ग्राफ को भी हम यहाँ पर डोमेन से समझ सकते हैं। डोमेन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैल्यूज ऑफ x, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड मीन्स इट विल जनरेट सम वैल्यू आउटपुट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, मान के चलिए कि फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, डोमेन जो आपके पास है, यहाँ पर आपके पास 0 है, 1 है, 2 है और आपके पास कितना है, 3 है, और फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। 0 आप इनपुट देंगे 0 मिलेगा, 1 इनपुट देंगे 1 मिलेगा, 2 इनपुट देंगे 4 मिलेगा, 3 इनपुट देंगे यहाँ से हमारे पास 9 मिलेगा। तो जो भी आप इनपुट देते हैं उससे कुछ ना कुछ फंक्शन आपको आउटपुट निकाल के देता है। तो जो इनपुट आपने दिया इज कॉल्ड डोमेन, इनपुट देने से जो आउटपुट निकल के आया इज कॉल्ड रेंज। ठीक, यहां तक समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूल्स टू फाइंड डोमेन। डोमेन जब भी हम फाइंड करने जाएंगे तो उससे पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल समझिए, कोई भी जहां पर यहां पर फंक्शन देगा उसमें डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी फंक्शन यहां पर दे दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स दे दिया। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो कोई भी अगर आपसे यहाँ से फंक्शन देता है और डोमेन पूछता है, तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सेकेंड हम बात कर लेते हैं यहाँ से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो एंड रिमूव दैम फ्रॉम द डोमेन। तो जैसा कि यहाँ पे इस लाइन में कहने का यही मतलब है कि कोई भी फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, फंक्शन वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो एक्स ऑल रियल नंबर को बिलोंग्स करेगा। अब डोमेन और डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर जीरो हो सकता है, किस वैल्यू पर जीरो हो सकता है, तो आपको पता है जीरो पर जीरो हो सकता है, तो उसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, एक्सप्रेशंस अंडर इवन स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब इस सेकंड पॉइंट को समझिए, मान लीजिए फंक्शन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, फंक्शन इवन स्क्वायर रूट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, डोमेन कैसे बताएंगे। तो यहां पर अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट दिया हुआ है, देन इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं कि रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू आपको नहीं देगा, तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस इनइक्वलिटी के साथ हम यहाँ पर डोमेन फाइंड करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। आप फंक्शन देखिए, फंक्शन में जो भी एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में दिया है
वो किस वैल्यू पर जीरो हो सकता है उसे हम डोमेन से हटा देंगे, वो वहां से हमारी डोमेन फाइंड हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में दिया है इवन स्क्वायर रूट, कोई भी एक्सप्रेशन अगर इवन स्क्वायर रूट में दिया है देन इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यहां से इनइक्वालिटी जनरेट करके हम डोमेन फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट की बात करें, टेक केयर ऑफ पर्सनल डोमेन ऑफ फंक्शन। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो भी यहां पे फंक्शन दिया हुआ है, मान के चलिए एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है लॉग बेस 10 और यहां पर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर जो भी जैसे आप पर्सनल डोमेन, आप पर्सनल डोमेन जो भी फंक्शन आपको जैसे लॉग हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, तो उनकी पर्सनल जो डोमेन होगी उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे अगर हम इसको देखें तो यहां पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, पर्सनल फंक्शन जो है वो लॉग है, और आप जानते हैं कि लॉग का जो इनपुट है वो कभी भी यहां से ये जो वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब आप यहां से देख सकते हैं इनइक्वालिटी क्या जनरेट होगी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ना तो ये जीरो होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है लॉग के साथ जो हम इसको इनपुट देते हैं। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट है जो आपको डोमेन का क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखने हैं, बहुत इजिली किसी भी फंक्शन की आप डोमेन बता सकते हैं अगर तीन पॉइंट्स को आप ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कुछ दो चीजें आपको यहां पर बहुत ध्यान रखनी है। अगर कोई भी फंक्शन यहां पर दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन कई सारे फंक्शंस में कई सारी टर्म्स में हमारे पास डिवाइडेड है, एच ऑफ एक्स हो गया प्लस माइनस जी ऑफ एक्स हो गया प्लस माइनस टी ऑफ एक्स हो गया, तो कई सारे फंक्शंस प्लस माइनस में दिए हुए हैं और इसकी आपसे डोमेन पूछता है, तो आपको क्या करना है, जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं अलग अलग उनकी डोमेन बतानी है। इसकी डोमेन मान के चलिए डी वन हो गई, इसकी डोमेन की बात करें डी टू हो गया, इसकी डोमेन की बात करें डी थ्री हो गया। अब फंक्शन की जो ओवरऑल डोमेन होगी, यहां से आप इन सबका क्या ले लेंगे, इन सबका हम यहां से इंटरसेक्शन लेके इसकी फंक्शन की डोमेन हम यहां से बता सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, नेवर सिंप्लीफाई गिवन फंक्शंस बिफोर फाइंडिंग डोमेन। इस बात को आप बहुत ध्यान में रखना है, नेवर सिंप्लीफाई का मतलब क्या हो गया, जो भी फंक्शंस आपको देगा आप उसमें सिंप्लीफाई का मतलब जैसे समझे तो आप वहां पे कैंसिलेशन नहीं कर सकते, आपको कैंसिलेशन वहां पर नहीं करना है, आपको एलसीएम वहां पर नहीं लेना है, आपको स्क्वायर वहां पर नहीं करना है एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के मेथड यहां से हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं इस पॉइंट को आपको समझाऊं तो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, फंक्शन है हमारे पास 1/(1 − 1/x). अब आपने इसका डोमेन यहां से पूछा गया, अब आपने क्या किया इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई आपने क्या किया यहां से, अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई क्या किया आपने, इसको लिख लिया एफ ऑफ एक्स, एलसीएम ले लिया आपने नीचे, यहां से ये बन गया एक्स माइनस वन अपॉन में कितना एक्स, और हमारे पास फंक्शन आपने सिंप्लीफाई करके लिख लिया एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब ये जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, अब इस फंक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहां से अगर आप डोमेन बताएंगे तो आप क्या कहेंगे, पहला पॉइंट जो हमने रूल्स अभी पढ़े थे यहां पर देखिए, जो हमने यहां से रूल्स पढ़े थे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो आप कहेंगे कि एक्स जो है वो ऑल रियल नंबर को बिलोंग करेगा एक्सेप्ट किसके, वन के, और आप इसका आंसर ये दे देंगे। अब अगर जो फंक्शन मैंने आपको दिया था 1/(1 − 1/x), अगर आप यहां से देखें तो दो कंडीशन है, यहां से डिनोमिनेटर हमारे पास दो जनरेट होंगे, कौन कौन से, एक तो हमारे पास होगा 1/(x), ये जो यहां से x सिर्फ दिया हुआ है, ये जो हमारे पास यहां से x सिर्फ दिया हुआ है, एक तो डिनोमिनेटर ये है हमारे पास x, दूसरा डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, दूसरा डिनोमिनेटर है 1 − 1/(x). ये दो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, 1 − 1/(x) नॉट इक्वल टू जीरो एंड 1/(x) ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही है यहां तक बात। अब यहां से अगर हम देखें कि भाई 1 − 1/(x) नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप यहां से x का इनपुट, x का वैल्यू 1 नहीं ले सकते, x नॉट इक्वल टू 1, और यहां से x नॉट इक्वल टू का जीरो, तो आप समझते ही हैं कि यहां से आप क्या नहीं ले सकते, x का वैल्यू 0 भी नहीं ले सकते। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम यहां से डोमेन
रिपोर्ट करें तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 0 एंड 1। तो राइट आंसर कौन सा है? ये हमारा राइट आंसर है, ये यहां से आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट को समझ पाए, नेवर सिंप्लीफाई गिवन फंक्शंस बिफोर फाइंडिंग डोमेन। अगर आपने गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया तो आप अपने करेक्ट आंसर से काफी दूर चले जाएंगे। तो आई होप आपको ये डोमेन समझ में आया होगा, सारे बेसिक सारे रूल्स आपको समझा दिए गए। पहला रूल क्या है, अगर कोई भी फंक्शन डिनोमेटर में दिया हुआ है तो फंक्शन किस वैल्यू पर डिनोमेटर जीरो करेगा वो वैल्यू आप वहां से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। सेकंड पॉइंट क्या था, कोई भी एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट दिया हुआ है देन इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वहां से इनइक्वालिटी आप बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास जो हमने पढ़ा था, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, थर्ड पॉइंट यहां से हमारे पास था टेक केयर ऑफ पर्सनल डोमेन ऑफ फंक्शन। कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, लॉग में दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, तो उसकी जो पर्सनल डोमेन होगी उसे भी आपको ध्यान में रखना है। और ये दो पॉइंट अगर फंक्शंस अलग अलग प्लस माइनस में दिए हुए हैं तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस की डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन करके एक फाइनल डोमेन रिपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास था नेवर सिंप्लीफाई गिवन फंक्शंस बिफोर फाइंडिंग डोमेन। जो भी फंक्शंस आपको गिवन है उसको आप कभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अगर आपने उसे सिंप्लीफाई किया, अभी हमने एग्जांपल देखा था, तो आप अपने करेक्ट आंसर से काफी दूर हो जाएंगे। तो ऐसे और से क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम यहां से ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है किस तरीके से। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, उससे पहले अगर हम इन जनरल बात करें, आप समझिए, अगर उससे पहले हम एक बात यहां पर कर लेते हैं, अगर आपको पता है कि कोई भी फंक्शन रूट के अंदर दिया हुआ है, इवन स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है, तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी जो जनरेट होगी वो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब यही जो चीज है आपको अपॉन में दे दिया, अपॉन में रूट वन रूट एफ ऑफ एक्स दे दिया, तो आप यहां से दो बातें कह सकते हैं। एक आप कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि f of x जो हमारा होगा f of x greater than or equal to zero। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो यहां से एक क्लियर बात अगर सिर्फ यह कह दी जाए कि f of x only greater than zero, तो यहां से ये भी, यहां से हम इनइक्वालिटी बना के डोमेन बता सकते हैं। अगली बात जो हमने की थी 1 upon fx, कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो f of x not equal to zero। तो ये तीन पॉइंट है, इनसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है f of x, डोमेन आपको बतानी है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, f of x equal to square root x square minus 5x प्लस में कितना दिया हुआ है 6। अब इसका अगर आपको डोमेन बताना है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इवन स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है देन इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए। आपने एक मेथड पढ़ा होगा बेबी कर मेथड, अगर हम बात करें तो एक मेथड आपने पढ़ा होगा बेबी कर मेथड, और अगर आपने बेबी कर मेथड नहीं पढ़ा है, आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो बेबी कर मेथड की यहां से अगर हम बात करें तो आपने बेबी कर मेथड में कोई भी एक्सप्रेशन दिया होता है उसके हम यहां से फैक्टर बनाते हैं, नंबर लाइन खींच के रीजन डिवाइडेड करते हैं और वहां से देखते हैं कि कौन सा रीजन पॉजिटिव वैल्यू देगा, निगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा। तो यहां से देखिए कोई भी यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, इसके हम यहां से फैक्टर कर लेते हैं। क्लास टेंथ में आपने क्लास नाइन्थ बात करें टेंथ बात करें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने सीखे होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स दिया हुआ है तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से एक्स कॉमन लेंगे आपके पास एक्स माइनस थ्री आएगा, माइनस टू कॉमन लेंगे एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x माइनस थ्री आ गया फैक्टर और क्या आ गया हमारे पास, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना जीरो। अब आप इस चीज को नंबर लाइन पे डिनोट कर लेंगे। अगर हम यहां से नंबर लाइन की बात करें
ये आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो आपने टेंथ में पढ़े थे, जीरोज ऑफ द फंक्शन, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल फंक्शन, या फिर रूट्स ऑफ इक्वेशंस हम जिसको बोलते थे। तो ये जो ब्रैकेट दी हुई है, किस एक्स की किस वैल्यू पर जीरो हो जाएगा, एक्स थ्री पर हो जाएगा, ये किस पर हो जाएगा, ये टू पर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर टू, और ये हमारे पास कितना आ गया, थ्री। इसको हम यहाँ से रीजंस में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। अगर आपने बेबीकर मेथड पढ़ा है तो स्टैंडर्ड जो एक्सप्रेशन है वो ये हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स हमारा नेगेटिव नहीं है, तो डायरेक्ट हम आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस। राइट टू लेफ्ट आपको जाना है, स्टार्ट करना है प्लस से, अल्टरनेट साइन आपको लगाते हुए चल रहे हैं, ठीक। अब यहां से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन की हम बात करें, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आंसर ये रिपोर्ट करेगा माइनस इन्फिनिटी से टू, और टू से कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो अगर हम इसमें डोमेन बताएं तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा टू, माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट आएगी आप जानते हैं, और टू की बात करें तो टू पे हमारी स्क्वायर ब्रैकेट आने वाली है, क्लोज ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है। यूनियन, यूनियन हम बात करें थ्री से लेके कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट आएगी, और थ्री पर हम बात करें तो क्लोज ब्रैकेट यहां से हमारी आ जाएगी, और ये जो हमारा आ गया ये इस फंक्शन का क्या है, डोमेन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में आपको यहां पर और बता देता हूं, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, रूट में कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, माइनस में कितना 3x, प्लस में कितना दिया हुआ है 2, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था नोट में आप फर्स्ट पॉइंट अगर याद करें तो वहां पे मैंने बताया था, अगर दो फंक्शंस यहां पर दिए हुए हैं तो अलग अलग फंक्शंस की आप डोमेन निकालेंगे और उनका क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप इसके फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स यहां से आप कॉमन लेंगे एक्स माइनस 2 आएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 अगेन आप कॉमन लेंगे x माइनस 1 आपके पास बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन यहां से बना लेनी है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है वो आपको यहां से डिनोट कर लेने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स की यहां से हम बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 होगा 1 होगा, तो 1 और हमारे पास 2, ये हमने यहां से रीजन डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वे में लिखा हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, किस तरीके से, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस। क्या है ये, ग्रेटर देन, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से इसकी डोमेन जो रिपोर्ट हम करेंगे, इसकी डोमेन जो हम रिपोर्ट करेंगे, कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1, और यहां से ये यहां से मैं इसमें ही बता देता हूं आपको, ये हमारे पास होगा रीजन, और ये यहां से हमारे पास 2 से प्लस इन्फिनिटी होगा, और माइनस इन्फिनिटी से ये हमारे पास 1 होने वाला है। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहां से इस फंक्शन के लिए बात करें तो मैंने आपको बताया था इन जनरल 1 अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होता है, तो वहां पे फंक्शन जो दिया हुआ है इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ओनली ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब यहां से देखिए, इसके हम फैक्टर यहां से करें तो एक्स स्क्वायर हमारे पास बनेगा, और एक्स स्क्वायर हमारे पास माइनस में हमारे पास 4x प्लस में x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। x कॉमन ले लेंगे यहां से, x माइनस 4 हमारे पास आएगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x माइनस 4 यहां से कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अगेन मैंने आपको बताया दो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको यहां से देखने हैं, और वो दो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास, एक हमारे पास माइनस 1 आएगा और दूसरा हमारे पास यहां से 4 आने वाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड वे में लिखा हुआ है इसी वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं,
प्लस माइनस प्लस, ये भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो फोर से जस्ट बड़ी वैल्यू डाल के देगी, मान लीजिए फाइव उठा ली, इसमें डाली और इसमें डाली, पॉजिटिव आंसर देगा। माइनस वन माइनस माइनस वन फोर के बीच में कोई भी वैल्यू उठा ली है, मान लीजिए टू उठा ली, यहाँ से नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या आंसर देगा, ऑलवेज नेगेटिव आंसर रिपोर्ट करेगा। माइनस वन से जस्ट यहाँ से छोटी वैल्यू उठाइए, माइनस टू उठा ली, नेगेटिव आंसर देगा, ये भी नेगेटिव देगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या आंसर रिपोर्ट करेगा, पॉजिटिव आंसर रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ से ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है तो ये आंसर ये रिपोर्ट करेगा इस तरीके से। अब दो फंक्शंस की अलग अलग डोमेन रिपोर्ट हो रही है, मैंने आपको बताया था इन दोनों का हम क्या लेंगे यहाँ पर, इंटरसेक्शन लेंगे, अगर आपको यहाँ से फाइनल डोमेन रिपोर्ट करनी है तब। तो देखिए इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन यहाँ से लें तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो आपने एक नंबर लाइन बना ली, आपने जितने क्रिटिकल पॉइंट्स थे टोटल सबको नोट कर दिया, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले माइनस वन है, उसके पास हमारे पास वन है, उसके बाद टू है, और ये हमारे पास कितना है, फोर। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये कहता है कि माइनस इन्फिनिटी से वन, ठीक है माइनस इन्फिनिटी से वन इसको जाना है, ठीक, ये टू से इन्फिनिटी भी इसको जाना है, तो टू से इन्फिनिटी ये आ गया हमारे पास, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस फंक्शन की, हम बात कर लेते हैं इस फंक्शन के लिए, हम बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से ये भी यहां से, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा यहां पे करेक्ट कर देता हूं, ये हमारा यहां से माइनस इन्फिनिटी से वन है ये, और इसकी अगर हम बात करें यहां से तो ये माइनस इन्फिनिटी से कहां तक है हमारा, सिर्फ वन तक है, इसकी हम यहां से बात करें, इसको मैं नीचे ही बना दूं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तो ये हमारा ये आंसर रिपोर्ट करता है, ठीक। फोर से कहां तक ये है, फोर से इन्फिनिटी तक है, तो ये हमारा यहां से यहां तक आंसर रिपोर्ट करता है। तो इन दोनों का हमें क्या लेना था, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये है, ये इसका इंटरसेक्शन है। तो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हम बात कर रहे हैं, इसको मैं माइनस इन्फिनिटी लिख देता हूं, इसको मैं इन्फिनिटी लिख देता हूं, तो फाइनल आंसर जो हमारा यहां से डोमेन का होने वाला है, तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है, एक्स बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आएगा आएगा, माइनस वन पे क्या आने वाला, माइनस वन इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस पर भी कैसे ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। यूनियन ये हमारे पास फोर से कहां तक रिपोर्ट करता है, इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव फोर कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आएगा आएगा, फोर किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस पर भी कैसे आने वाला, ओपन ब्रैकेट आने वाला है। तो ये जो आपका है आंसर, ये आपका यहां से डोमेन ऑफ द फंक्शन है, क्लियर हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से उठा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां से बात करें, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या होने वाला है, अब यहां से आपको क्वेश्चन किस तरीके से देगा, तो देखिए फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, क्या है हमारे पास, टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कितना, फोर प्लस लॉग बेस टेन एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहां पर आपसे इस फंक्शन का डोमेन यहां से पूछा है, अगेन वही बात, कितने फंक्शंस दिए हुए हैं, दो फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन की बात करें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें इस फंक्शन में अगर आप देखें तो इसमें आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो यहां से इसको हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू फोर, इट मींस एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू, यहां से आपको पता चला कि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस टू नहीं ले सकते डोमेन में। अब इस फंक्शन की बात करते हैं, इस फंक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था रूल्स में, हमने नोट में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पर्सनल फंक्शंस होते हैं उसकी डोमेन को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आप जानते हैं लॉग को कभी हम इनपुट नेगेटिव या फिर जीरो नहीं देते हैं, इसका मतलब हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यहां से आप एक्स कॉमन ले सकते हैं, फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, और यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी लगा के एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अगेन बेबी कर्व मेथड का यहां पर हम यूज करेंगे,
नंबर लाइन बना लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसकी बात करें जीरो है, इसकी बात करें माइनस वन है, और इसका हम बात करें प्लस वन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ से स्टैंडर्ड वे में लिखा हुआ है प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर हो गया बात यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से ये ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये जो इनइक्वालिटी है ये ग्रेटर देन, अगर हमें एक्सप्रेशन जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव वाला हम यहाँ से रीजन रिपोर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव रीजन क्या है, माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो और वन से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना हमें, तो फाइनल डोमेन क्या होने वाली है, फाइनल डोमेन आप यहां से रिपोर्ट करेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन कॉमा जीरो, कैसी ब्रैकेट आएंगी, ओपन ब्रैकेट आएंगी, क्लियर बात, यूनियन वन कॉमा इन्फिनिटी, कैसी ब्रैकेट आएंगी, ओपन। अब इसमें टू आ गया, जैसे ही आपने वन कॉमा इन्फिनिटी इंटरवल रिपोर्ट किया इसमें टू आ गया, और यहां पर एक्स का वैल्यू टू नहीं हो सकता इसके अकॉर्डिंग, तो यहां से हम माइनस एक्स क्या कर देंगे, टू यहां से हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये जो आपका आंसर होगा यहां से, ये क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसे और भी क्वेश्चन हम यहां से ले लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास यहां से दिया हुआ है, अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, यहां से एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है थ्री साइन रूट पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस में कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब ये यहां से हमारे डोमेन पूछता है, इस फंक्शन की डोमेन पूछेगा तो बिल्कुल कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। यहां से आप देख सकते हैं कि रूट में इवन स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन क्या है, पाई स्क्वायर अपॉन इनइक्वालिटी कहां से बन सकती है उसको देख लें आप। तो यहां से पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता रूट के अंदर। तो यहां से आप कह सकते हैं कि यह क्या है, पाई बाय फोर प्लस एक्स इसको हम लिख सकते हैं, और पाई बाय फोर माइनस एक्स इसको हम लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, जीरो। अब यहां से इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पे एक्स यहां पर नेगेटिव आ गया, अगर आपको स्टैंडर्ड वे में उस चीज को लिखना है तो एक्स यहां पे नेगेटिव आ गया है, तो जब भी इनइक्वालिटी में माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो इनइक्वालिटी यहां पर चेंज हो जाती है। देखिए कैसे, आप बताइए टू और वन में कौन ग्रेटर है, तो आप कहेंगे टू ग्रेटर है। जैसे ही मैं माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा माइनस टू माइनस वन, तो इनइक्वालिटी यहां से देखिए चेंज हो जाएगी, अब कौन ग्रेटर है, माइनस वन ग्रेटर है। तो यहां से एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये हमारे पास कितना है एक्स प्लस पाई बाय फोर एज इट रहेगा, माइनस में मैंने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस कितना पाई बाय फोर और लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। इनइक्वालिटी चेंज हो गया जैसे ही मैंने एक्स को पॉजिटिव किया पाई बाय फोर को नेगेटिव किया, क्लियर इतनी बात। अब देखिए अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं, इसकी हम बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको बनाना है, क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे माइनस पाई बाय फोर और आपके पास क्या आने वाला है पाई बाय फोर, क्लियर है यहां से। तो यहां से आप देख सकते हैं कि भाई आंसर अब ये स्टैंडर्ड वे में लिखा हुआ एक्स पॉजिटिव है, क्या रिपोर्ट होगा आंसर प्लस माइनस प्लस, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो निगेटिव आंसर यहां से रिपोर्ट होगा। तो यहां से हमारा जो डोमेन आने वाला है जो फाइनल आंसर आने वाला है तो एक्स जो हमारा बिलोंग करेगा वो माइनस पाई बाय फोर से क्या करेगा पाई बाय फोर, और कैसा ब्रैकेट आएगा इस पर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट यहां से आने वाला है। तो देखिए क्या आंसर आने वाला है, माइनस पाई बाय फोर कॉमा पाई बाय फोर, ये यहां से हमारा इसका करेक्ट आंसर। तो ये हमारा डोमेन का आज पूरा टॉपिक था जो मैंने एक क्लास में आपको समझाया, आप यहाँ से देख सकते हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, रूल्स टू फाइंड द डोमेन, सबसे पहला कोई भी फंक्शन दिया हुआ है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वहां से आप इनइक्वालिटी बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट, अगर कोई भी एक्सप्रेशन
अंडर इवन स्क्वायर रूट दिया हुआ है देन इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, आप वहां से इनक्विटी बना के डोमेन बता सकते हैं। थर्ड आपको टेक केयर ऑफ पर्सनल डोमेन ऑफ फंक्शन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि लॉग का पर्सनल डोमेन क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे अगर हम बात करें साइन इनवर्स एक्स की, इट इज़ अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, फंक्शन है, तो इसका अगर हम पर्सनल डोमेन की बात करें तो आप जानते हैं कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू इसका पर्सनल डोमेन रहता है। तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हो गए, उन सब की आपको पर्सनल डोमेन यहाँ पर पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास ये अगर फंक्शन प्लस माइनस में कई सारे फंक्शंस प्लस माइनस करके दिए हुए हैं तो अलग अलग फंक्शंस की डोमेन निकाल के हम उनका इंटरसेक्शन कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, नेवर सिंप्लीफाई गिवन फंक्शंस बिफोर फाइंडिंग डोमेन। जो भी आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है उसको आप कभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। जैसे ये फंक्शन हमने यहाँ पर लिया था, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर हमने जो फंक्शन गिवन फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आप इसकी डोमेन में और इसकी डोमेन में यहाँ से फर्क समझ सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको इनकरेक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ से सिंप्लीफाई जो स्टेप था हमारा, ये यहाँ से गलत स्टेप था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट मैंने आपको बताया रूट में कोई फंक्शन दिया हुआ है, इनइक्वालिटी आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। वन अपॉन रूट में फंक्शन दिया हुआ है, इसको अलग अलग लिखने से अच्छा है इनका इंटरसेक्शन हम डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो रिपोर्ट कर सकते हैं। वन अपॉन एफ एक्स मैंने पहले ही पॉइंट में बताया था, डिनोमेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चंस थे हमारे, रूट में मैंने फंक्शंस आपको सॉल्व कराया। यहाँ से इस तरीके से हमने जो फंक्शन लिया था इसकी अगर हम वहाँ से बात करें तो ये फंक्शन मैंने लिया था, प्लस माइनस में दो फंक्शन थे, अलग अलग फंक्शंस की हमने डोमेन निकाला, उनका इंटरसेक्शन करके हमने यहाँ से करेक्ट आंसर रिपोर्ट किया था ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन अलग अलग फंक्शंस दिए हुए थे। एक मैंने स्पेशल फंक्शन यहाँ पर लॉग निकाला था, लॉग को आप जानते हैं उसका इनपुट कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ से इनइक्वालिटी जनरेट करके डोमेन हम बता सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की हम यहाँ से बात करें तो ये हमारे पास क्वेश्चंस था, हमने 3 साइन रूट 5 स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर की डोमेन हमें बतानी थी, तो इवन स्क्वायर रूट सेकंड वाले रूल पर ही ये डिपेंड है। और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको समझाए जाएँ, पढ़ाए जाएँ, और भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जाए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी मैंने आपको डोमेन बताया है, ये जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के रखा था फ्रंट पेज की, अगर हम यहाँ से बात करें कि एक क्लास में डोमेन ख़त्म, अगर हम यहाँ से बात करें कि एक क्लास में डोमेन ख़त्म, तो यहाँ से इतना मैंने डोमेन आपको बता दिया है, जो भी रूल्स बताए हैं, जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखते हैं और किसी फंक्शंस की डोमेन के लिए उसको सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से आप डोमेन इजली यहाँ पे हर एक फंक्शंस की, हर एक क्वेश्चंस की बता पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको PDF मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।